हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायब के ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन के आप लोग आवेदन कर रहे हैं और अभी दो दिन से क्या प्रॉब्लम हो रही है कि साइट नहीं चल रही है। तो उसके लिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, साइट चल जाएगी। कुछ मेंटेनेंस वर्क हो रहा होगा उस वजह से साइट, और उसके लिए आप यदि साइट नहीं चलती है तो भी घबराना नहीं है। यदि साइट नहीं चलेगी तो आपका जो लास्ट डेट जो होता है वो बढ़ा दिया जाता है। ये ऐसा पहले भी हो चुका है, साइट में कोई मेंटेनेंस वर्क हो रहा है इस वजह से साइट नहीं चल रही। अब बीएसएफ ट्रेड्समैन में देखिए, यहाँ पे हम बीएसएफ ट्रेड्समैन के कुछ आपके डाउट्स हैं उनको इस वीडियो में हमने शामिल किया है। यहाँ पर देखिए, ये शेर सिंह का कमेंट आया कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 9/6/1999 है, यानी 9 जून 1999 है। जनरल है, ये राजस्थान के कैंडिडेट हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब कोई प्रॉब्लम क्यों होगा, आप आवेदन कर रहे हैं, उसमें साफ लिखा हुआ है कि 1 अगस्त 2021 को 18 से 23 वर्ष होना चाहिए। तो 23 नहीं हो रहा इनका, तो 23 जो हो रहा है वो 2 और 3 12 9 जून 22 को हो रहा है। 1/8/2021 को 23 नहीं हो रहा तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। स्वीपर का सर्टिफिकेट में फोटो होना चाहिए। मैं डांस क्लास से सर्टिफिकेट बनवाया है, आप कहीं से भी बनवाए, फोटो कोई जरूरी नहीं है कि फोटो हो, बिना फोटो के भी सर्टिफिकेट चलेगा। और जनरली सर्टिफिकेट में फोटो, जो कॉरपोरेट सेक्टर के सर्टिफिकेट होते हैं उसमें फोटो नहीं होता। हाँ, फोटो कौन से सर्टिफिकेट में होता है वो भी बता देता हूं आपको। जो ई मित्र वाले जो सर्टिफिकेट है उसमें फोटो होता है, ई मित्र से सर्टिफिकेट बन रहे हैं और वो आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप एक जिसको कहते हैं ना कि नौ सीखिए के हाथों में अपना भविष्य दे रहे हैं, आप क्या पूरा पूरा खिलवाड़ हो रहा है। ई मित्र वाला जो है वो कैसे सर्टिफिकेट बना रहा है, उसको ये नहीं पता कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। उसका एक सेट प्रोफॉर्मा है, उसमें उसने बार्बर का चाहिए बार्बर का बना दिया, उसको कुक का चाहिए कुक का बना दिया, सफाई का चाहिए सफाई का बना दिया। वो काम नहीं करना। फिजिकल और ट्रेटरस साथ होगा क्या? बिल्कुल साथ होगा। फिजिकल पीटी पीएसटी जो है आपका, उसके जस्ट बाद ही आपका फिजिकल, यानी स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी के बाद आपका ट्रेट टेस्ट होगा। इसलिए आपको ट्रेट टेस्ट की तैयारी जो है वो अभी से पीटी पीएसटी के साथ ही ट्रेट टेस्ट की आपको तैयारी करना शुरू कर देना है। ट्रेड टेस्ट में क्या काम होगा, तो ट्रेड टेस्ट में जिस ट्रेड से आपने आवेदन किया है उसका काम आपको सीख कर जाना है। आपने वाटर कैरियर से आवेदन किया था, आपको वाटर कैरियर का काम करना है। आपने कुक से आवेदन किया है, कुक का काम आपको करना है। कुक में क्या काम होगा, क्या पूछा जा सकता है, दालें मसाले तेज पत्ता क्या क्या पूछा जा सकता है आपको, ये सब हमने प्रहरी बैच में आपके लिए कोर्स बनाया है और उसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है। उसमें यदि आपने कोर्स लिया है और उस पर मैटर आपको लग रहा है कि अभी कम है तो अभी आप तैयारी अपनी जारी रखें, प्रैक्टिस उसमें बताई गई है वो प्रैक्टिस अपनी करें। वाटर कैरियर जो है उसको बर्तन की धुलाई करनी है, उसको तो बर्तन धुलाई आपको साफ सफाई करनी है, मेंटेनेंस करना है किचन का, किचन में कौन से डर्टी डजन होते हैं वो आपको ध्यान रखना है, किचन में कौन से ऐसे 12 कोने हैं जहां पर सफाई कर्मचारी की नजर नहीं पड़ती है, तो किचन की साफ सफाई कौन करता है, किचन स्टाफ करता है। बाकी जो जनरल एरिया है उसकी साफ सफाई कौन करेगा, उसकी सफाई जो है वो स्वीपर करेगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब ये पुष्पेंद्र का तो हो गया, सर सर्टिफिकेट बनवा लें सब कुछ सही है, बस इशू डेट नहीं लिखा है। अब इशू डेट नहीं लिखा है तो इसमें प्रॉब्लम कैसे होती है वो बता देता हूं आपको कि हमारे प्रतिष्ठान में, हिंदी में मैं बता दूंगा आपको अच्छे से, हमारे प्रतिष्ठान में, प्रतिष्ठान में दिनांक, अब दिनांक लिख दिया कि दिनांक 5/8/2020 से वर्तमान तिथि तक काम किया है, वर्तमान तिथि तक काम किया है, इनका चरित्र अच्छा है और इनका उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। एक सेट लैंग्वेज है, नीचे सील भी हो गया, सिग्नेचर भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब वो वर्तमान तिथि कौन सी होगी, वो वर्तमान तिथि तो जो इश्यू डेट है वो ही होगी। ये गलती कहां होती है, ये गलती होती है जो हमारे ई मित्र वाले जो दोस्त हैं वो सर्टिफिकेट बना रहे हैं,
और दबा के बना रहे हैं और साथ में ये भी दावा कर रहे हैं कि इस सर्टिफिकेट का किसी प्रकार का कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, इस वहम में मत रहना कि वेरिफिकेशन नहीं होता। वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं हम कि जिसमें लेटर है बीएसएफ की तरफ से कैंडिडेट को कि आपका सर्टिफिकेट फेक पाया गया वेरिफिकेशन में, वो अच्छे से देख लेना आपको समझ आ जाएगा। तो इश्यू डेट का विशेष ध्यान रखना है, 2 years 3 months है, 2 years से ऊपर, 2 years से यदि एक दिन कम है प्रॉब्लम हो सकती है, 2 years से 2 साल ज्यादा है, 5 साल ज्यादा है, 10 साल ज्यादा है, वो आप कितना भी ज्यादा ऊपर हो सकता है कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं होगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ हमारे दोस्तों के क्या हुआ कि 14 years की एज होने से पहले ये सर्टिफिकेट बन गए कि 12 की उम्र से सर्टिफिकेट बना दिया। 12 की उम्र से ऐसा कौन सा होटल वाला जो है वो 12 साल के बच्चे को काम पे रख लेगा और काम पे रख भी लेगा और उसके बाद सर्टिफिकेट भी बना के दे रहा है होटल का सील और सिग्नेचर करके, तो चाइल्ड लेबर के केस में वो खुद फंसेगा। जो बनवा गया है उस पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जिसने बना के दिया है उस पर कार्रवाई जरूर हो जाएगी। हाँ, कहां से काम कर सकते हैं? देखिए, 16 से आप काम कर सकते हैं, ये खतरनाक काम नहीं है जो काम है हमारे। ये काम जो है साफ सफाई का काम है, कुक का काम है, वाटर कैरियर का काम है, वॉशरमैन का काम है, ये 16 से आप बिल्कुल काम पर लग सकते हैं। तभी तो 2 साल का एक्सपीरियंस देखिए, आप एक लॉजिक देखिए, रीजनिंग पढ़ते हैं, रीजनिंग में क्या होता है लॉजिक बेसिक कॉन्सेप्ट कि यदि 18 से काम पर लगाया जाता तो आपका मिनिमम एज जो है वो 20 होता। अब सरकार जो है वो कह रही है कि 18 का कैंडिडेट जो है वो मिनिमम आवेदन कर सकता है, 2 साल का एक्सपीरियंस, तो जाहिर सी बात है कि 16 साल का जो है वो काम पर काम शुरू कर सकता है। 16.5 का नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, इनमें भर्तियां होती हैं, तो 16 साल का प्राइवेट में क्यों नहीं कर सकता? सीधा सीधा सिंपल लॉजिक है, बिल्कुल कर सकता है। 16 से कम में यदि हो रहा है तो वहां देखिए आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका ध्यान रखना है। आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ पूरा 20 साल नहीं हो रहा है तो क्यों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2 साल का कैसे बनेगा? क्यों कि होटल में काम के लिए 18 साल के बाद ही लेते हैं। अब ये किसने बताया? हमें तो नहीं पता ऐसा। और आधार कार्ड में नहीं हो रहा तो मार्कशीट में हो रहा होगा, 10th का मार्कशीट में, उसमें भी नहीं हो रहा तो होटल वाला बिल्कुल, जब 16.5 का भारत सरकार भर्ती कर सकती है इंडियन नेवी में और एनडीए में, तो 16 का प्राइवेट काम पर क्यों नहीं लग सकता? जो बाल श्रम जो है वो 14 साल से कम आयु के बच्चों का है और उसमें भी उसको यदि खतरनाक काम पर यदि लगाया जाता है तो उसमें काम के घंटे उसके तय होते हैं। आप 16 से शुरू कर रहे हैं, सफाई का काम जो है वो पूरे दिन नहीं चलता, कुकिंग का काम कोई इतना खतरनाक काम नहीं है, तो 16 का जो है वो बिल्कुल 16 का कर सकता है। तभी तो सरकार ने मिनिमम एज 18 रखी है, आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे? ये छोड़ दीजिए, ये जो है ये हमारे काम के नहीं है। सर जी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा ले, बना रहे हैं लेकिन काम नहीं किया है तो फर्जी नहीं ना माना जाएगा? चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात होती है, फर्जी बनवा रहे हैं तो आप खुद ही अपने व्यवहार से वहां पर जता देंगे कि फर्जी है और आगे क्या होगा उसका खुद पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। बनवा रहे हैं, बना रहा है कोई तो बनवा लीजिए। सर, होटल से एक्सपीरियंस 2 years एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चलेगा? बिल्कुल चलेगा। ऑनलाइन नहीं हो रहा है? हाँ, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अभी जो साइट है वो डाउन चल रही है, लेकिन वो साइट ओपन हो जाएगा, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा ट्रेड सर्टिफिकेट में पोस्ट ऑफिस का नेम गलत कर दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? सर्टिफिकेट में पोस्ट ऑफिस गलत कर दिया तो कोई प्रॉब्लम, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। एसटी का सर्टिफिकेट सेंटर वाला चलेगा, बिल्कुल सेंटर वाला चलेगा, चाहे एसटी है, ओबीसी है या एससी है, सभी सेंट्रल वाले ही चलेंगे। अब ये देखिए, यहां पर ये सर्टिफिकेट जो है बहुत बढ़िया, होटल से सर्टिफिकेट बनवाया, बार एंड रेस्टोरेंट का सर्टिफिकेट है, 12/8/2021 को इश्यू डेट भी है,
यहां पर इसका रेफरेंस नंबर भी आ गया, सब कुछ आ गया, सील सिग्नेचर भी आ गया, मैनेजर ने भी कर दिया, गोल मोहर भी लग गई। यहां पर एक गलती है, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग फॉर 2 years cook experience and sincere to his job and having very good knowledge. ये 2 years ऐसा 2 years नहीं होना चाहिए, 2 years होना चाहिए डेट टू डेट, 2 years कंप्लीट होना चाहिए। डेट टू डेट किस तरीके से कि 1 जनवरी 2018 टू 31/12/2020, इसको 2 years कहा है। ऐसा 2 years में हमने रिजेक्ट होते हुए देखा है, इसलिए इस तरीके का 2 years ना लिखवाकर डेट टू डेट 2 years लिखवाएं, क्योंकि आप अभी से आपने मेहनत शुरू कर दिया और बाद में पता चलेगा कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया। फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ, फॉर्म भी एक्सेप्ट हो गया, लेकिन प्रॉब्लम कहां होगी, जब आपका पीटी पीएसटी हो जाता है उसके बाद डॉक्यूमेंट होगा, और डॉक्यूमेंट होगा तो उसमें वो ये कहेगा कि ये 2 years कब से कब तक, या इशू डेट नहीं है तो इशू डेट का इशू उठ जाएगा उस समय। तो ऐसी गलतियां ना करें। फॉर्म फिल कर रहे हैं तो पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद अपना ट्रेड सेलेक्ट करें, उसके बाद जो काम आपको पसंद है उसके अनुसार, या काम आपने किया है उसके अनुसार अपना आवेदन करें। अब कुछ कैंडिडेट्स क्या गलती कर रहे हैं कि जैसे राजस्थान में हम बात करें कि स्वीपर, सॉरी उसका इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी नहीं है, तो उसमें भी अप्लाई कर दिया और दूसरे स्टेट का सेंटर ले लिया। आप जिस स्टेट के निवासी हैं आप उसी स्टेट की वैकेंसी पर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हैं, ऐसा पहले भी होता रहा है कि आपने दूसरे स्टेट की वैकेंसी पर आवेदन किया, आपका कॉल लौट के नहीं आया। तो ध्यान रखना है कि पहले वैकेंसी चार्ट कहां है, इस साइट पर वैकेंसी चार्ट नहीं मिल रहा, वैकेंसी चार्ट नोटिफिकेशन के लास्ट पेज जो है उसमें है, नोटिफिकेशन के लास्ट पेज में, उसमें पहले फीमेल का है। कुछ कैंडिडेट्स ने फीमेल वाला देख के कहा कि वैकेंसी तो हमारे स्टेट की है नहीं, फिर जब हमने कहा कि मेल का चेक करो तो कहा मिल गया। तो पहले मेल फीमेल दोनों का चेक करें, उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म तय करना है, कहीं ऐसा ना हो बाद में सारी मेहनत बेकार हो जाए। कोई गलती नहीं करनी है, फॉर्म भरने में बहुत सावधानी रखनी है। जय।